हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक। खाने में सबको बहुत पसंद होता है, बच्चे हो या बड़े। तो आप इसे घर पे ज़रूर बनाएं। कोई भी ओकेज़न हो, बर्थडे पार्टी या एनिवर्सरी वगैरह, तो केक तो बनता ही है। तो मार्केट वगैरह से तो आपने मंगाया ही होगा, लेकिन आप घर पर भी बहुत आसानी से केक बना सकती हैं। इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसमें इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखना पड़ता है और सही मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी ले ली है। अब हम आधा कप तेल ले लेंगे, आधा कप हम यहाँ पर दही ले लेंगे। तेल और दही को हम मिक्सी में डाल देंगे। चाहे तो आप तेल की जगह बटर भी यूज़ कर सकती हैं। और उसी कप से हम आधा कप दूध ले लेंगे। दूध बॉईल है और रूम टेम्परेचर पे है। एक चौथाई कप हम यहाँ पे पाउडर शुगर ले लेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल चीनी है तो आप इसे मिक्सी में पीस लें। चाहे तो आप चीनी थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम एक बड़े बर्तन में छन्नी रख देंगे ऊपर से। अब हम इसमें मैदा छान लेंगे। अब हम यहाँ पे 3/4 कप मैदा ले लेंगे। जिस कप से हम सारी सामग्री ले ली है उसी कप से 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा कम। अब हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डाल लेंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डाल लेंगे। इसे अच्छे से छान लेंगे। आप केक में जो भी मैं सामग्री डाल रही हूँ वो बहुत कम प्राइस में आपको मार्केट में मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अंडर 50 या अंडर 100 में आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो आप बहुत आसानी से घर पे बना सकती हैं। 1/4 चम्मच हम यहाँ पर बेकिंग सोडा भी डाल लेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा आप हमेशा छान कर ही यूज़ करें। और मैंने एक ही कप सेट किया हुआ है, मैंने सारी सामग्री उसी कप के हिसाब से डाली है। है तो आपके पास कोई भी ग्लास कप हो वही सेट कर ले आप। अब हम धीरे धीरे करते हुए इसमें अपना दूध और दही ऑयल का मिक्सचर डालेंगे ताकि लम्स वगैरह ना पड़े, इसलिए धीरे धीरे करते हुए ही डालें। और हमें एक अच्छा सा सॉफ्ट सा बैटर तैयार करना है। अगर आप मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना चाहती ये सारी चीज़ें तो आप किसी बर्तन में भी कर सकती हैं, किसी चम्मच से या विस्क से। आप बहुत अच्छे से इन्हें फेंट लें ताकि ऑयल, दही और दूध आपस में अच्छे से सारे मिक्स हो जाएं। अब इस तरीके से हमें केक का बहुत अच्छा सा बैटर तैयार करना है। तो आप धीरे धीरे से करें, आपको बहुत तेज़ हाथ चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आराम आराम से इसका बैटर तैयार करें। थोड़ा समय लग जाएगा आपको, 5-6 मिनट का। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल लेंगे। इसे भी केक में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हम यहाँ पे विनेगर डाल देंगे वाइट सिरका। इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा बन गया है। तो आपको ऐसा ही बैटर चाहिए बिल्कुल। अब हम एक केक टिन ले लेंगे, कोई सा भी आपके पास ऐसा बर्तन हो उसमें आप चारों तरफ से अच्छे से घी लगा लें। उसके बाद हम इसमें मैदा डाल लेंगे और हम चारों तरफ से डस्ट आउट कर लेंगे मैदे की, ताकि हमारा केक इसमें चिपके नहीं। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं घी लगाने के बाद। तो अब हम इसमें केक का बैटर डाल लेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स वगैरह हो सब सेट हो जाए अच्छे से। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख ली है। 10 मिनट पहले से ही हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। आप चाहे तो आपके पास कोई भी ऐसा गहरा बर्तन या कुकर हो तो आप वो रख सकती हैं, उसमें केक बना सकती हैं। और आपके पास कोई ऐसी छोटी कटोरी हो या कोई स्टील का स्टैंड हो आप पहले उसे रख लें, फिर उसके ऊपर केक टिन रख लें। और इसमें अच्छे से ढक्कन लगा लेंगे हम। और ढक्कन लगाने के बाद देखें कहीं से हवा वगैरह नहीं निकल रही हो। कम से कम 30-35 मिनट तक हम लो फ्लेम में केक को पकने के लिए रख लेंगे।
अब हम 30-35 मिनट बाद चेक कर लेते हैं, हमारी टूथपिक एकदम क्लियर निकल रही है, क्लीन, तो इसका मतलब हमारा केक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। गैस बंद कर देंगे दूर से। अब हमने एक बर्तन में हमने गर्म पानी ले लिया है, बॉयल पानी, उसके ऊपर हमने एक बाउल रख लिया है, उसमें हम चॉकलेट रख देंगे। और यहाँ पे मैं कम से कम 100 ग्राम हम यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रहे हैं, फुल क्रीम है अमूल की, आप चाहे तो घर की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। अब हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप बना लेंगे, आपको डायरेक्ट गैस पर नहीं करना है, इसी तरीके से गर्म पानी के ऊपर दूसरा बर्तन रख के चॉकलेट सिरप बनाना है। तो देखिए हमारा चॉकलेट सिरप बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम केक को भी एक बर्तन में निकाल लेंगे। पहले केक को चारों तरफ से चाकू से हम निकाल लेते हैं ताकि कहीं से चिपके ना। अब उसके बाद हम इसके ऊपर एक प्लेट रख के इस तरीके से अपने केक को निकाल लेंगे। हल्का सा आप धीरे से ऊपर से टैप भी कर लीजिए ताकि केक आसानी से निकल जाए। तो देखिए कितना स्पंजी बन के तैयार हो गया हमारा केक। अब इसे सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप लगा लेंगे, अच्छे से चॉकलेट सिरप लगा देंगे चारों तरफ। अब बचे हुए चॉकलेट सिरप को हमने फ्रीज में रख दिया है एक पन्नी में अंदर सेट करके। आपके पास कोई भी कीप वगैरह हो घर में पड़ी हुई तो आप उसमें डाल सकती हैं चॉकलेट सिरप को, उससे हम अपने केक को डेकोरेट करेंगे। तो देखिए हमारी चॉकलेट फ्रीज में एकदम सेट हो गई है डेकोरेट करने के लिए। तो हम अपने चॉकलेट केक को डेकोरेट कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान है घर पे चॉकलेट केक बनाना, आप भी जरूर ट्राई करें, जरूर बनाएं, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और खाने में भी बहुत ही लाजवाब होगा। केक बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी बर्तन या कप सेट कर ले, उसी हिसाब से सारी सामग्री डालें जिस हिसाब से मैंने वीडियो में बनाई है, तो आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं बनेगा। अगर आपको केक ज़्यादा बड़ा बनाना है तो उसी हिसाब से आप सामग्री कम ज़्यादा कर लें। और आप केक को गैस पे लो फ्लेम में कम से कम आपको 30 से 35 मिनट तक रखना है। आप एक बार चेक कर लें, अगर कच्चा है तो आप 10-5 मिनट के लिए और बढ़ा ले समय को और गैस की फ्लेम को लो ही रखें। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, कैसी लगी आपको आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।